अमेजन पर अगर आपको ज्यादा सेल्स चाहिए तो आपको रिव्यू रेटिंग पे काम करना पड़ेगा। विदाउट रिव्यू एंड रेटिंग आपको ज्यादा सेल्स नहीं आएगा, बिकॉज आज के जमाने पे हर चीज में रिव्यू रेटिंग या फिर सोशल प्रूफ होना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई भी बंदा जाके खरीदेगा, वो खरीदने से पहले नीचे जाके दूसरे जो बायर लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं उनका फीडबैक पढ़ते हैं। इवन मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ते हैं। आप भी जब कभी शॉपिंग करते हैं तो पहले आप भी जाके रिव्यू रेटिंग पढ़ते हैं, उसके बाद ही उसको बाय करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं आपको 5 तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आप अमेजन पर रेटिंग बढ़ा सकते हो। पहला तरीका है मेल के थ्रू। आपको ये पता है अगर आप अमेजन से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको अमेजन से मेल आ जाता है। इवन अगर आप बाय करने के बाद भी अमेजन आपको पुश मेल करता है कि गिव योर सेलर फीडबैक या फिर प्रोडक्ट फीडबैक, तो वो आप कहां से देख सकते हो? आपको आपके डैशबोर्ड पे जाना है, मैनेज ऑर्डर को क्लिक करना है, उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट सेंट हो चुका होगा उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका कंप्लीटली डिलीवर हुआ है उस ऑर्डर आईडी को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट ए रिव्यू, अगर आप उसको क्लिक करते हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी ये अकाउंट में भी थोड़ा एलिजिबल नहीं दिखा रहा है बिकॉज थोड़ा बंद है अकाउंट, बट यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाता है, अमेजन ऑटोमेटिकली रिव्यू रेटिंग भेज देता है। ओके, तो वो एक तरीका है। या फिर आप पर्सनली उनको मेल को पिंग करके आप उनको रिव्यू रेटिंग के लिए पिंग कर सकते हो। बट मेल के थ्रू रिव्यू रेटिंग लाना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज 99% लोग अपने मेल्स चेक नहीं करते हैं। अमेजन वहां पे एक ही बार उनको मेल भेजता है, उसके बाद कोई दोबारा मेल फॉलोअप नहीं लेता है। तो यहाँ पे आप लोग भी भूल जाते हो कि यार मेरे को उनको फॉलोअप लेना है या नहीं लेना है, ये किसी को भी याद नहीं रहता है। बिकॉज आप अगर बार बार किसी को फॉलोअप लोगे डेफिनेटली उन्होंने 5 बार अगर आपका मेल गया 5 में से 1 मेल को वो लोग देख लेंगे, बट अमेजन तो सिर्फ एक ही बार मेल करेगा, बार बार तो करेगा ही नहीं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये एक टूल है सेल्स लैब, ये सिर्फ अमेजन के लिए ही बना है। ये बहुत ही अच्छा टूल है। यहाँ पे आप अपने जितने भी प्रोडक्ट सेल हुआ होगा उसको ऑटोमेशन कर सकते हो, यानी कि सेल जाने के बाद सारे सेलर के पास ऑटोमेटिकली मेल जाएगा, और जो मेल आप बनाओगे वो आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। वहां पे इमेज रख सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, यानी कि सारा चीज अपने हिसाब से आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। इसमें से क्या होता है, आपका सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेट, आपका जो मेल का वो बढ़ जाएगा, ज्यादा लोगों के पास आपका मेल पहुंचेगा और ज्यादा लोग आपका मेल को ओपन करेंगे और वहां पे फीडबैक भी दे देंगे। यानी कि अगर आपका 100 सेल भी जाता है ना तो गारंटी 10-20% आपको रिव्यू रेटिंग आएगा। बट अगर आप अमेजन का ईमेल को भरोसा करेंगे तो 100 में से 1 भी रिव्यू रेटिंग आना मुश्किल होता है, मतलब आप भूल ही जाए वो आएगा ही नहीं। बट ये टूल के थ्रू आपको मिल जाएगा। ये टूल बहुत ही सस्ता है, ज्यादा कोई मतलब हाई बजट में नहीं है। अगर आपके पास अमाउंट है तो ये टूल आपके लिए बहुत ही बहुत बेस्ट है। तो इस टूल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, अगर वो लिंक आप यूज करते हो तो आपको मेरे तरफ से कुछ ऑफर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जाके ये टूल को पहले चेक कर लेना। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है थ्रू कॉल। जी दोस्तों, आप कॉल के थ्रू भी अपना फीडबैक ला सकते हो, बट ये मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कॉल करके अपना प्रोडक्ट पे रिव्यू रेटिंग लाना, बिकॉज अमेजन को ये पसंद नहीं है। अगर अमेजन को ये भड़क आ गया तो वो आपके अकाउंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन भी ले सकता है। बट इसका एक तरीका है, मैं वो बता देता हूं। जब आप कॉल करेंगे हमेशा क्या करना, अपना डेटा को पूल कर लेना। ऑर्डर पैनल को जाना है, ऑर्डर के नीचे एक ऑप्शन आएगा योर ऑर्डर्स डेटा, तो वो डेटा जब आप पूल करेंगे वहां पे जितना सक्सेसफुल ऑर्डर रहेगा वहां पे आपको पता होगा कि आप कौन सा ऑर्डर आईडी को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देख के रखे हैं। ओके, जिसमें कोई गलती नहीं है, किसी में साइज इशू नहीं है। तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट रहेगा आप क्या करना, वहां पे नंबर होता है बायर का, सारे नंबर को उठाना है, उनको कॉल करना है कि आप अमेजन के तरफ से कॉल कर रहे हैं, आपको जो प्रोडक्ट मिला आपको सही टाइम पे मिला, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप उसको बात करना है, ना कि आप उसको डायरेक्टली बोलेंगे कि आप हमको रिव्यू रेटिंग दे दो। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, जो सेलर बहुत खुश है कि हाँ यार मेरे को अच्छा प्रोडक्ट मिला, टाइमली मिला, थैंक यू बोलेगा तो थोड़ा खुश है। आप क्या करना, उन लोगों को ही पिच करना, जो थोड़ा रूडली बात करेंगे आप उन लोगों को कभी पिच मत करना। तो ये एक टाइम टेकिंग काम रहेगा, बट अगर आप इस काम को फॉलो करेंगे तो आपको रिव्यू रेटिंग भी आ सकता है। सेकंड आता है जो आपका डिलीवर प्रोडक्ट बॉक्स होता है। जब आप प्रोडक्ट पैकेजिंग करके अपने बायर को देते हो उसके अंदर एक कार्ड दे के छोड़ो, यानी कि आप एक
कस्टमाइज कार्ड बना लो, वहां पे एक कूपन कोड दे दो या फिर कुछ भी ऑफर दे दो कि अगर आप हमको फीडबैक देंगे, फीडबैक के बाद आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपकी ऑर्डर आईडी के साथ, अगर आप उसको देते हैं तो हम आपको कुछ कैशबैक देंगे, पेटीएम वॉलेट को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, इस तरह से ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ आप उनको बेनिफिट देना, अदरवाइज वो आपको क्यों फीडबैक देगा। ओके, आप उसको 50 रुपीज कैशबैक दे सकते हैं, 100 रुपीज कैशबैक दे सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड्स है। तो मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट ओपन करेंगे और जब ओपन करेंगे उनको वो कार्ड भी मिलेगा और वहां पे आपका डिटेल्स लिखा होगा, वो डेफिनेटली आपको व्हाट्सअप करेंगे और हो सके आपको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आप उनको क्लियरली बता देना कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट सही में अच्छा लगा तो प्लीज हमको एक रिव्यू या फिर रेटिंग दे दो। बता देता हूँ 99% सेलर ये काम करते नहीं है, बट ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मेरे कुछ सेलर्स लोग हैं वो इसी फंडा को ही मतलब अप्लाई करते हैं और उनको सक्सेस भी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ट्रिक मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर किया। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा ही जो इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे लेके आऊंगा वो सारे आपके पास पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फ्रेंड एंड फैमिली। दोस्तों ये तो मैं हाईली मतलब डिनाई करूंगा, भाई ये चीज मत करना। ओके, मैक्सिमम लोग आज के जमाने पे यही चीज चल रहा है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में फैमिली पे या फिर कोई बंदे लोग होते हैं जो रिव्यू रेटिंग देते हैं, मतलब पैसा लेके रिव्यू रेटिंग देते हैं, राइट। तो ये चीज करना सही नहीं होता है बिकॉज अमेज़न भी ये सारा चीज को टाली करता है, क्योंकि आप जिनको पैसा देके रिव्यू रेटिंग लाओगे ना वो लोग पैसा लेके काम करते हैं, वो हमेशा पैसा लेके ही 5-star रिव्यू देते हैं। तो आप ये सोचो उन लोगों ने उससे पहले भी बहुत सारा प्रोडक्ट को बाय किए होंगे और सारे प्रोडक्ट में 5-star रिव्यू दिए ही होंगे, तो आप जब उस फिर आपका प्रोडक्ट दोगे वो भी आपको 5-star देंगे। तो अमेज़न को पता है कि एक बायर कभी भी सारे प्रोडक्ट में 5-star नहीं देता है, ओके, और सारे प्रोडक्ट पे रिव्यू रेटिंग भी नहीं देता है, वो भूल जाता है। मैक्सिमम केसेस में अगर वो 10 प्रोडक्ट बाय करता है 10 में से सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट पे वो 5-star रिव्यू देता है और 7 प्रोडक्ट पे वो 3-star 2-star या फिर नेगेटिव फीडबैक दे देता है। तो वो जो बंदा अभी फीडबैक दे रहा है उसके अकाउंट में सारे के सारे पॉजिटिव ही रहेगा और 5-star रहेगा। तो आप जब उससे फीडबैक लाओगे आपका अकाउंट भी अफेक्ट हो जाएगा, हो सके अमेज़न आपका रिव्यू सेक्शन डिलीट कर दे। ओके, तो प्लीज ये गलतियां मत करना। हाँ, कभी कभार आप ट्राई कर सकते हो फ्रेंड फैमिली पे, बिकॉज वो लोग पैसा लेके तो काम नहीं करते हैं, अगर वो लोग भी फ्रिक्वेंटली बाय करते रहते हैं अमेज़न से तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो यार मेरे को कुछ फीडबैक दे दो, तो इन दैट केस आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छा जो रिव्यू रेटिंग लाने का तरीका है वो है मेनी चैट फ्लो। मैं बता दूं इंडिया पे 99% सेलर को पता ही नहीं होगा कि यार मेनी चैट है क्या, राइट। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इंडिया पे मेरा भी जो इतने भी सेलर है कोई भी ये मेनी चैट फ्लो पे काम नहीं करते हैं, जो मेरा सेलर इंटरनेशनल सेलर्स होते हैं वो लोग इसमें काम करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट को इसी के थ्रू रिव्यू रेटिंग लाते हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी उनका रन कर रहा हूं और मैंने रिव्यू रेटिंग भी लेके देखा हूं, मतलब मैं ऑलरेडी उनका अकाउंट मेनी चैट पे फ्लो बनाता हूँ और उनको रिव्यू रेटिंग भी मिल जाता है, तो ये मेरे को पता है ये चीज क्या है। बट इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा कॉस्टिंग लगेगा, हाईली कॉस्ट लगेगा, बिकॉज आपको फेसबुक पे एड चलाना पड़ेगा, फिर मेनी चैट का भी जो कॉस्टिंग है मतलब पेड कॉस्टिंग है वो भी आपको देना पड़ेगा। ओके, तो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इसका भी मेरा सेपरेट वीडियो में बना लूंगा, आप वहां पे जाके देख लेना कि मेनी चैट के थ्रू कैसे आपको रिव्यू रेटिंग्स लाना होता है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीटली रिव्यू रेटिंग लाने का तरीका। तो फ्रेंड्स अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन पे जाके मेरे को आप पूछ सकते हो, और वीडियो को सही में अच्छा लगा तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और उसको लाइक भी कर देना। थैंक यू।